जनपद मथुरा में मौसम बदलने के साथ ही डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। इसमें स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं नर्सिंग होम एवं पैथोलॉजी संचालकों को निर्देश दिए हैं कि पुष्टि होने के बाद ही डेंगू घोषित किया जाए। गलत रिपोर्ट दिए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस दौरान नगरीय मलेरिया अधिकारी डॉक्टर भूदेव सिंह ने बताया कि मौसम बदल रहा है, ऐसे में डेंगू का खतरा भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्लेटलेट्स के कम होने का मतलब डेंगू रोग होने की पुष्टि नहीं करता। वायरल संक्रमण तथा अन्य बीमारियों में भी प्लेटलेट्स कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि कई बार प्लेटलेट्स से कम होने पर नर्सिंग होम और पैथोलॉजी संचालक लोगों में डेंगू होना बता देते हैं, जो कि गलत है। मरीज की जांच में डेंगू की पुष्टि होने पर ही डेंगू की घोषणा करें, साथ ही तत्काल इसकी सूचना मलेरिया कार्यालय में कंट्रोल रूम में दी जाए। उन्होंने कहा कि गौशाला जाँच में परीक्षण इलाज विधि से ही की जाएगी। चूँकि ये इस समय ब्रीडिंग सीजन है, डेंगू के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, क्षेत्र में शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार मिल रहे हैं। लेकिन जो केस मिल रहे हैं उनका हमारी टीमों द्वारा एक्टिव सर्विलांस की जा रही है, नज़रें रखी जा रही हैं उन पर, उनका उपचार कराया जा रहा है। जिन व्यक्तियों को बुखार आ रहा है या शरीर पर लाल निशान के साथ बुखार आ रहा है तो वो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर चले जाएँ और जाँच कराएँ। इसके अतिरिक्त जिला अस्पताल और वृंदावन हमारे वहाँ भी जो डेंगू की जाँचें हैं वो हो रही हैं, निःशुल्क हैं। वहाँ जाकर जाँच कराएँ, चिकित्सक की सलाह लें। अन्य अदरवाइज कहीं अन्य किसी भी झोला छाप से किसी से दवा ना लें। बुखार आने पर केवल पैरासिटामोल। डेंगू के बुखार के क्या सिम्टम्स हैं? देखिए, बुखार में जनरली क्या होता है, तेज बुखार आता है, शरीर पर कभी कभी लाल निशान पड़ जाते हैं और जॉइंटों में पेन होता है, बैक पेन होता है। कभी कभी जब ज़्यादा बुखार होता है तो उल्टियाँ भी संभव है। तुरंत ही चिकित्सक से सलाह लें। इसके अतिरिक्त हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार काम कर रही हैं, छिड़काव कर रही हैं, एंटी लार्वा का छिड़काव कर रही हैं। इसके अतिरिक्त लोगों को जागरूक भी कर रही हैं कि लोग खुले में ना सोएं, फुल बाजू के कपड़े पहने और घरों के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो 45 केसेस हैं अभी तक, तो और क्या उम्मीद हो रही है? देखिए, लापरवाही ना बरतें, हमारा तो यही कहना है। चूँकि अभी हमारी जो टीम है लगातार काम कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, केसेस ना बढ़ें, इसके लिए भी हमारा प्रयास किया जा रहा है।